हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज एक ब्रेजा का काम होगा। ब्रेजा का काम यही होगा कि ब्रेजा का जो आपका रैपिड कवर है उससे इंजन और लीकेज हो रहा है, तो आपका आज ब्रेजा का काम होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरा एंटॉक जो है ना उसमें एक प्रॉब्लम हो चुका है, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इधर में देख सकते हैं एक बोल्ड है जो इंजन को पकड़ के रखता है, वो निकल चुका है। तो कैसे निकल चुका है वो भी पता नहीं है, एक वीडियो आएगा इसके ऊपर, और टीवीएस वालों की ही गलती है या फिर मेरा गलती है वो वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से। तो ये है ब्रेजा, आप लोग देख सकते हैं, और ये न्यू मॉडल ब्रेजा है, और इसका टेपिट जो गास्केट है वो मैं दिखा देता हूँ। ये 215 रुपीज़ का है। तो टेपिट गास्केट को सेंस करने के लिए हमारा जो टेपिट कवर है उसको निकालना पड़ेगा, और निकालने से पहले आपका जितना भी सारे कपलिंग है उसको निकालना पड़ेगा, और आपका प्लग कैप को भी निकालना पड़ेगा। प्लग कैप में आपका 60 आपका 10 mm का बोल्टू रहता है, जिसको खोलने के बाद हमारा जो प्लग कैप है वो आसानी से खोल जाते हैं। तो उसको खोल के लेते हैं जल्दी से, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और 10 mm की बोल्टू कितना लेते हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी जल्दी से खोलने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी जितने भी सारे प्लग का आपका बोल्ट था वो निकल चुके हैं, देख सकते हैं, और ऐसे निकल जाते हैं। उसके बाद जितने भी सारे कपलिंग है ऊपर में आप लोग देख सकते हैं वो निकालना पड़ेगा, और आपका एयर फिल्टर असेंबली जो है उसको निकालना पड़ेगा। और उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या क्या होते हैं देखते रहिए आप लोग, और वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करने से आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाओगे, तो इसलिए स्किप मत करना, और वीडियो को लाइक कर देना एक। और कपलिंग देख सकते हैं राइट साइड में भी बहुत कपलिंग है, वो उसको भी निकाल लेंगे। और प्लग का जो आपका पहला प्लग है उस साइड से उसका जो कपलिंग है वो निकालना पड़ता है, तभी कैप जो है वो खोलते हैं। तो उसको भी निकल दिया है, अभी कपलिंग को खोलते हैं। और इधर में भी कपलिंग है, देख सकते हैं, इसको भी खोलना पड़ेगा। और इसको खोलने के बाद हमारा जो कपलिंग जितने भी सारे कपलिंग थे वो एकदम निकल जाएगा। तो जल्दी से कपलिंग को खोल लिया, अभी आपका टेपिट कवर जो है उसको खोलते हैं। और दो आपका पाइप भी रहते हैं ऐसे देख सकते हैं, और दोनों पाइप को निकालना पड़ेगा। और ये बाइक में भी रहते हैं, बाइक में जो बाइक या स्कूटी में जो टेपिट कवर रहते हैं उसमें भी रहते हैं। ये हवा के लिए है, तो दोनों पाइप को निकालना पड़ेगा। तो अभी जितने भी सारे टेपिट कवर का आपका 10 mm का बोल्ट है उसको लूज करके जाएंगे एक साइड से, और उसके एकदम लास्ट में खोलेंगे। तो अभी लूज करने का प्रोसेस चालू हो रहा है, देख सकते हैं। तो पहले लूज करके लेंगे, उसके बाद सभी जब लूज हो जाएगा तो अच्छे से खोल लेंगे। और गास्केट कैसे रहते हैं कैसे बिठाता है सब आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा वीडियो से। तो अभी देख सकते हैं सारा बोल्ट जो था 10 mm का उसको हम लोगों ने खोल लिया है, और टेपिट कवर देख सकते हैं ऐसे निकल रहा है अभी। और इस साइड में भी एक पाइप है, ये देख सकते हैं, इसको भी निकाल लिया है। अभी टेपिट कवर जो है वो ऐसे खोलेगा, देख सकते हैं। और इसमें रहता है ट्विन कैमशाफ्ट, देख सकते हैं, और ये रहा हमारा टेपिट कवर। तो अभी गास्केट देख सकते हैं नीचे में है, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगा अभी। और ये देख सकते हैं ट्विन कैमशाफ्ट है इसमें, देख सकते हैं। तो अभी गास्केट कैसे रहते हैं वो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। गास्केट ये देख सकते हैं, ये गास्केट है, और इसको ही हम लोगों को सेंस करना है। और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 215 रुपीज़ ओनली। तो अभी क्या करते हैं इसको अच्छे से बिठाते हैं, और उसके बाद नया लगाते हैं, नया अच्छे से बिठाते हैं, उसके बाद देखता हूँ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो नया जो टेपेट कवर है उसको बैठाने से पहले एक बार देख लेंगे अच्छे से, तो कैसे बैठता है नया वाला है उसमें देख लेंगे कि बैठता है ये, और ये है पुराना वाला और ये है न्यू वाला। तो उसको देख रहे हैं पहले कैसे बिठाना है, उसके बाद उसको बिठा देंगे। और इसमें कोई भी सीलन वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये ऐसे ही रहते हैं नॉर्मली। और कैसे रहते हैं दिख रहा है अभी, तो ये देख सकते हैं इसको अभी लगा रहा है। और इसमें कोई भी सीलन वगैरह की यूज़ नहीं करना आप लोग, नहीं तो लीकेज का प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे ही बिठेगा, देख सकते हैं। तो इसको जल्दी से बिठा के लेते हैं, उसके बाद गाड़ी में फिटिंग करते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी लीकेज का प्रॉब्लम है या फिर नहीं। तो आप लोग भी सेंस करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सीलन वगैरह की यूज़ मत करना, इधर में सीलन वगैरह यूज़ नहीं होता है। तो ये बैठ गया न्यू वाला, तो अभी टेपिट कवर को लगाते हैं जल्दी से।
तो टेपिट कवर को बिठाने से पहले इधर में थोड़ा सा साफ कर लेंगे कपड़े से, और तभी आपका लीकेज का प्रॉब्लम के आने का चांस बहुत कम रहते हैं, तो इसलिए तो साफ कर लेंगे आपका हेड को थोड़ा सा, क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह लगा हुआ है इधर में, इसलिए थोड़ा सा साफ कर लेंगे। उसके बाद आपका फिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और टेपिट कवर जो है उसको भी थोड़ा सा साफ कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा रहते हैं टेपिट कवर में, इसलिए उसको भी थोड़ा सा साफ करके लेंगे। तो अभी टेपिट कवर को बिठाते हैं, और टेपिट कवर ऐसे बिठेगा, देख सकते हैं वायरिंग के ऊपर खींच के आपका टेपिट कवर जो है वो आसानी से बैठ जाएगा। एकदम ही सिंपल है, आप ये कर सकते हैं ये, तो इसलिए पूरा प्रोसेस मैंने दिखा दिया, और मेरा सभी वीडियो में ऐसे डिटेल में बताने की ट्राई करता हूँ, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा सभी चीज़। तो अभी बिठा दिया है, देख सकते हैं अभी जितने भी सारे 10 mm का बोल्ट था उसको लगाएंगे, क्रॉस बाय क्रॉस टाइट करेंगे। और कोई भी इंजन का काम करे तो आप लोग एकदम टाइट मत करना, तो क्रॉस बाय क्रॉस टाइट करना, तभी आपका डैमेज होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो जितने भी सारे बोल्ट है उसको लगाएंगे, तो उसको जल्दी से टाइट करके लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोग गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि अभी लीकेज का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फिटिंग का प्रोसेस तो सिंपल ही है, और जितने भी सारे पाइप खोला था, कपलिंग खोला था, उसको लगाएंगे। और जब आप लोग खोले ना तो देख लेना बोल्ट के साइज सेम है कि नहीं। तो अभी कपलिंग को करते हैं और बोल्ट को टाइट करते हैं, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए देखते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। लोगों ने देखा कैसे कैसे काम हुआ इसका, तो होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और आप भी ऐसे कर सकते हैं, और पूरा मेथड तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।